नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। आज हम लोग सिंपलीफिकेशन का सम करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो सम आपको दिख रहा है, इस तरह के सम करने में अक्सर टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। हम इसका आज शॉर्टकट सीखेंगे कैसे किया जाता है इस तरह का। ये जो पूरा दिया हुआ है 999, फिर इतना 98 बाई 99 इंटू 99, तो इस तरह का जो सम होता है इसको करने में समय कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। तो हम आज इसका ट्रिक सीखते हैं। देखिए क्या होगा, ये जो दिख रहा है 1999, इसमें हमको 99 से इंटू कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ये इसको हम लोग फिर अलग कर लेते हैं, प्लस का साइन करते हैं, प्लस का साइन, फिर इसको लिख लेते हैं 98 डिवाइड 99 इंटू, फिर हमको क्या करना है 99 से इंटू करना है। हम बताएंगे आखिर ये क्यों हो रहा है, इसको आप लोग जान जाइएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देकर हम बताएंगे। तो इसको देखिए, ये जो आपका दिख रहा है 999, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 में से आप 1 माइनस कीजिएगा तो यही आएगा। अब क्या करना है हमको, इंटू फिर 99 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं, ये कट गया तो बचा क्या, प्लस का साइन है यहाँ पे, फिर 98 बच गया। अब देखिए फिर इससे हमको इंटू करना है, तो हम इसको इसलिए कर लिए कि जो इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आसान हो जाएगा करने में, ठीक है। फिर माइनस का साइन है तो माइनस, फिर 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99 आएगा, और ये प्लस था 98, ये ऐसे ही है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस 99 और ये प्लस 98, तो 99 माइनस में है और ये प्लस में है, तो बचा क्या, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस 1 बचा, और माइनस 1 यहाँ से हम लोग माइनस कर लेंगे। ये भी ट्रिक हम आपको बताएंगे एड लेस किस तरह किया जाता है जल्दी से। तो यहाँ से माइनस जब 1 हो जाएगा, माइनस 1 कीजिएगा, माइनस 1 तो क्या आएगा, यहाँ पे होगा 9, फिर यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और ये 9। तो दोस्तों इस तरह से आप सम को बना सकते हैं बहुत ही जल्दी में। एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहेगा। यह है हमारा दूसरा सवाल। जब इस तरह का सम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 40 इंटू करेंगे, 1 ऐड कर लेते हैं, फिर अगला क्या होता है 30 और 4 का मल्टीप्लाई कर कर 3 ऐड कर लेते हैं और 4 लिख देते हैं। तो इस तरह अगर जो आपका छोटा सम है तब आप ऐसे कीजिएगा जो पुराना मेथड है, लेकिन हम लोग अगर जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो हम लोग इस तरह करेंगे तो जल्दी होगा। आइए देखते हैं इस तरह अगर जो सम दिया हुआ है तो क्या करेंगे। 40, ठीक है, ये 40 और ये 30, हमको करना क्या है, बेसिक देखिए समझिए इसका, हमको क्या करना है, इस टोटल से इंटू करना है, तो हम लोग पार्ट वाइज इंटू करेंगे। इस 40 से पहले इस 40 में 30 से इंटू कर लेंगे, ठीक है, 30 से एक बार हो गया, ठीक है। इसको हम लोग मान लीजिए दो पार्ट में कर देंगे, एक बार 30 से इंटू करेंगे इन दोनों में, और एक बार 3/4 से इंटू करेंगे। देखिए हो क्या रहा है, एक बार 30 से 40 में कर लिए, फिर प्लस, फिर 1/5 इंटू, फिर 30 हो गया, 30 वाला काम ख़त्म, फिर प्लस ये 3/4 दिख रहा है। अब यहाँ देखिए 40 लिखा हुआ है इंटू 3/4, एक बार 40 में कर लिए इंटू, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई हमको 1/5 में करना है, फिर प्लस का साइन देंगे 1/5 इंटू 3/4। तो दोस्तों इसका आप अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप इसको याद रख पाइएगा, बहुत ही आसान तरीका। देखिए फिर ये हुआ एक, यहाँ पे प्लस है, यहाँ से यहाँ का प्लस है, और ये इसको चार भाग में हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए कितना जल्दी होगा, इसमें इंटू कर देंगे, 4 और 3 का इंटू 12, और 2 0 है तो 2 0 लिख लिए, इसको काट दिए 6 आया, यहाँ पे 6 लिख लिए, ये काट दिए 10 हुआ, और 10 में 3 से इंटू कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 30, और ये देखिए कुछ कट नहीं रहा है, यानी कि 3/20 हो जाएगा। अच्छा इसका टोटल कर लेते हैं तो 6 3 1 2, ये आपका आ जाएगा टोटल, और ये मेरा था 3/20। आप इस तरह कर सकते हैं, और जो पॉइंट में है तो इसको आप पॉइंट में भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों एक तो ये हुआ, अगर जो मान लीजिए आपका आंसर पॉइंट में दिया 2 3 6 और मेरा क्या है 3/20,
20, तो इसी को हमको पॉइंट में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो 20 से डिवाइड कर देना है इसमें, तो डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 36.15, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, 20 से 3 में एकदम सिंपल तरीका है, वही कीजिए, कट नहीं रहा है तो यहाँ पे आप बैठा लीजिएगा 0, एक दान में गया, ये फिर क्या होगा 1 0, फिर यहाँ पे एक 0 बैठाएगा 5, और ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोग निकालिए, तो ये अगर जो पॉइंट में दिया है तो आप इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बताना देना चाहते हैं, आप जो इस तरह का सम है आप कब इस तरह से बनाइएगा, इस मेथड का आप कब प्रयोग कीजिएगा, यह बताना बहुत ही ज़रूरी है। आप ट्रिक सीख चुके हैं, मान लीजिए इस तरह का ट्रिक सीख चुके हैं, लेकिन जिसमें आपको ये नहीं करना चाहिए उसमें भी आप कीजिएगा तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, एक छोटा सा सम लेकर, जैसे मान लीजिए सम है 7/5 × 15 और यहाँ पे आपका 3 और 20, यहाँ पे 14। तो इस तरह का अगर जो सम दिया हुआ है तो जब छोटे छोटे अंक का हो सम तो आपको उस मेथड से नहीं बनाना है, हम लोग इसको सिंपली बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बनाते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, जब इस तरह का सम रहे सिंपल सम तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। तो इस तरह बनाकर मेरा आंसर जल्दी से जल्दी हम